पिथौरागढ़ जिले में भारत और नेपाल को जोड़ने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल आज एक दिन के लिए खोले गए हैं। इस दौरान पुल पर हजारों लोगों ने आवाजाही की, साथ ही साथ उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले नेपाली मूल के लोग भी इस दौरान अपने गांव को वापस लौटे। वहीं पुल खोलने के चलते भारत से एक बारात भी नेपाल गई, जो कि कुछ देर बाद दुल्हन के साथ वापस लौट आई। इस दौरान पुल खोलने पर नेपाल से लगे धारचूला और झूलाघाट सहित सभी भारतीय बाजारों में खासा चहल पहल भी दिखाई दी, जिससे व्यापारी काफी खुश नजर आए। साथ ही साथ व्यापारियों ने दोनों देशों की सरकारों से पुल को पहले की तरह नियमित रूप से खोलने की मांग की है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद भारत और नेपाल को जोड़ने वाले सभी पुलों को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया था, जिसके चलते सीमा के दोनों तरफ रहने वाले लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय पुल आज खुला है, इस तरह से कंटिन्यू खुलना चाहिए। यहाँ पर व्यापारी की दृष्टि से भी, रोटी बेटी के नाते से भी, क्योंकि कई लोग के रिश्तेदार नेपाल में रहते हैं और भारत में भी रहते हैं, तो दोनों देश के संबंध अच्छा रहे और व्यापारी भी सुगम से चले, इसलिए भारत सरकार से और राज्य सरकार से हम निवेदन करेंगे कि वो पुल इस तरह से कंटिन्यू खुला रहे। आज पुल खुलने से इतनी चहल पहल ले रही है, लोग अपनों से भी मिल रहे हैं। नेपाल का झूला पुल खुला हुआ है और हम आशा करते हैं कि इसी तरह जो है भारत नेपाल का झूला पुल खुलना चाहिए और हमारी आपसी मित्रता बरकरार रहे, ऐसी जो है आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है और भारत से नेपाल सामान ले जाने में भी कोई रोक टोक नहीं है। मैं नेपाल का रहने वाला हूँ, खुलने से दोनों तरफ फायदा है, नेपाल और इंडिया दोनों को, व्यापारियों को और खरीदारों को फायदा है। जो हम ये थल निवासी हैं, जो हमारी मित्रता नेपाल के साथ बढ़ती जा रही है, जो हमारी ये क्या बोलते हैं कुंदन भाई की शादी है, जो नेपाल के मित्रता से बनी रही, जिसके कारण आज हमें ये सौभाग्य मिला कि हम नेपाल जाके नेपाल से दुल्हनिया घर ले जाएंगे। 23 नवंबर को झूला पुल, अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल खोला गया, जिसमें नेपाल से इंडिया की तरफ और इंडिया से नेपाल की तरफ जाने वाले बहुत सारे सैकड़ों लोग आवाजाही कर रहे हैं, जो बहुत दिनों से माइग्रेशन के इंतजार में थे, वो भी नेपाल के क्षेत्र में अपने एरिया में जा रहे हैं। हर खबर में होगी हमारी नजर, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।